हाय, इस वीडियो में आपको मैं कोहबर जो बनाते हैं मधुबनी के लोग, मधुबनी पेंटिंग्स में कोहबर एक अलग ही आर्ट फॉर्म है जिसमें जो बहुत ऑस्पिशियस ओकेशंस होता है, मैरिजेस हो गए, जनेऊ उपनयन हो गया, या फिर लड़की की पहली मधुश्रावणी हो गई, तो उसमें कोहबर बनाते हैं, कोहबर पेंटिंग। तो कोहबर पेंटिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं उसमें आपको सन और मून भी है, तो अभी वो सन और मून बता रही हूँ। मैं अपने डिफरेंट वीडियोस में कोशिश करूँगी डिफरेंट एलिमेंट्स बताने का, और जब हम लोग वो सारे कवर कर लेंगे फिर हम लोग एक कोबर पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो आपको अपना कलर रेडी कर लेना है पैलेट में। मैं निब पेन से बना रही हूँ, अगर आपको निब पेन से बनाना है आप निब पेन से बना सकते हैं, अदरवाइज आप पेंसिल से ड्रॉ करके किसी भी वाटरप्रूफ पेन से आउटलाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये सन के लिए फुल सर्कल बनाया है, उसको डबल लाइन करना है हमें। डबल लाइन कर लिया मैंने, अभी इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ऐसे आप कोई अदर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये सेम ही सर्कल से डिज़ाइन बना रही हूँ। ओके, तो ये हमने कर लिया है, अभी हम लोग हेयर बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट इसके सेंटर से थोड़ा वेव पैटर्न्स में हेयर बनाते हुए ये जो साइड में ऐसे बाल बनाते हैं वो निकालना है। आउटलाइन कर, इसकी डबल लाइनिंग करनी है। इससे कलर कर लीजिए ब्लैक। ये कलर इंक से मैं ड्रॉ कर रही हूँ और ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ा केयरफुल रहना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा मैंने फैला दिया इसे, लेकिन जब ये फिनिश होगा तो ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं तो ये हमने हेयर बना लिया। अभी हम लोग आईज बनाएंगे। आईज में बता रही हूँ कैसे बनाना है। यहाँ से शुरू करना है, एक कॉर्नर से एक ही लाइन को कंटिन्यू करेंगे, नीचे लाएंगे, दो नोज बनेगा, यही ऊपर जाएगा और यही कंटिन्यू हो जाएगा, सेकेंड आईब्रो बनेगा। तो ये बन गया, अब इसमें हमें आईज बनानी है। आईज बना लिया हमने, अभी हम लोग इसमें तिलक बनाएंगे। तिलक आप कैसे भी बना सकते हैं, आप ओवल बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तिलक बना लिया हमने, अभी लिप्स बनाएंगे। ये लिप्स बन गई, स्ट्रेचेस होते हैं गॉड सन में, तो हम लोग स्ट्रेचेस।
ये हो गया फेस रेडी। अभी हमने इसे, आप चाहो तो जो ऊपर भी किया हमने इसे डबल लाइन करेंगे। ये निपेन से बनाना आपको देख के थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी है, लेकिन हाँ इट नीड्स प्रैक्टिस एंड पेशेंस। तो हमने ये डबल लाइनिंग कर लिया। अभी मैं यहाँ पे मुकुट बनाती हूँ। पहले ये मुकुट के लिए मैंने ऐसे पैटर्न बनाया, इसको डबल लाइन कीजिए। इसमें जितना इंट्रिकेट वर्क आप चाहें कर सकते हैं, डिफरेंट मोटिव से। मैं एक फ्लोरल पैटर्न दे रही हूँ अंदर में। ओके, इसको भी मैं डबल लाइन कर रही हूँ। बचे हुए पार्ट में मैं कुछ नहीं कर देती हूँ। ओके, इसके ऊपर हम लोग एक और फ्लोरल पैटर्न का डिज़ाइन डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कान बना सकें, कान बना देंगे ऐसे सूर्य देवता का। कान में मैं बनाऊंगी कुंडल। यहाँ पे एक फ्लोरल पैटर्न नीचे, इसमें कर देंगे हम लोग थोड़ा सा मोटिव से इसे फिल। कान पे भी हम लोग थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। हो गया। इधर भी इसके स्ट्रेट में ऑलमोस्ट एक कान ड्रॉ कर दीजिए, इसको डबल लाइन कीजिए। इसके अंदर जैसे हमने उधर डिजाइन्स बनाए थे, सेम डिजाइन। ओके, यहाँ भी हम लोग कुंडल बना देंगे। एक स्मॉल सर्कल, एक बड़ा सर्कल, और ये फ्लोरल पैटर्न। हो गया। यहाँ पे हम लोग नेक बनाएंगे। नेक बन गया। डबल लाइन कर लीजिए इसको। पीछे से हेयर का एक्सटेंशन बना सकते हैं। ओके, इसे हमने कलर करना है। तो ये हो गया है। बस एक छोटी सी चीज़ और बनानी है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्पेस पे हम लोग ऐसे ये लोटस पैटर्न पेटल तीन बना दिया हमने। यहाँ भी हम लोग 1, 2, 3।
अभी थोड़ी सी डिजाइनिंग इसके अंदर करेंगे हम लोग, और ये ऑलमोस्ट रेडी है। सेम डिजाइन इधर भी हमने बनाना है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर दूंगी। ये रेडी हो गया है। तो ये था सूर्य कोहबर में जो पैटर्न बनाते हैं हम लोग सूर्य का, ये वो था। आई होप कि आपको ये वीडियो इजी लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाना है। तो डू ट्राई दिस एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मून बता रही हूँ, बनाने जा रही हूँ कि मून कोहबर में कैसे बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड।